अनजाने में आपके मुंह से कोई बात निकल आती है, रिकॉर्डेड नहीं है, तो मैंने फिर भी एक्सक्यूज कर लिया है। 12 साल से शो कर रही हूँ, हमारी रोजमर्रा में हमसे थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। आजकल लोग बहुत टची हो गए हैं, मार्जिन नहीं देते किसी को वो, तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे रेपिस मैं हूँ, मुझसे गुनाह हो गया इतना। उस वक्त क्यों नहीं याद आया, देन एंड देयर क्यों नहीं मुझे उछाला गया, ये तो मतलब इतने दिनों बाद उसके बाद जो है वो एक ने लिखा दूसरे ने लिखा। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा शो देखा ही नहीं होता है, एक क्लिप पकड़ के और फिर वो लोग टांग खींचते हैं। अगर मैं इनको ना बुलाती, देखिए वो वाला काम जो जल्दी हुआ ना वो उतना जल्दी नहीं होता। इन लोगों को क्या बहुत स्ट्रेट बात करनी पड़ती है, इन लोगों को घुमा फिरा के बात समझ नहीं आती, इनको बहुत स्ट्रेट सवाल करने पड़ते हैं। क्योंकि कोई मतलब मेरे तबके के अंदर से इनकी पढ़ी लिखी फैमिली होती ना, तो मैं अगर घुमा फिर आके भी उनसे सवाल करती तो वो उसको समझ जाते और उस हिसाब से जवाब देते। ये वाले लोगों को से ये लोग सादा होते हैं, इनसे खुली बात करनी पड़ती है। जैसे मैं न्यूज नहीं देखती ना, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं ठीक है मैं मॉर्निंग शो भी करती हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर न्यूज चैनल नहीं देख रही होती, मैं ड्रामे देख रही होती हूँ। मेरा तो जो मॉर्निंग शो देखने वाले लोग है ना वो लोग भी ज्यादा न्यूज नहीं देख रहे होते, वो मॉर्निंग शो देखते हैं, उनको बहुत सारी चीजों का मॉर्निंग शो से पता चलता है। इसीलिए मुझे वो सारी बातें रिपीट कराना पड़ी। और उनका फादर जो है उसने मुझे खुद अप्रोच किया, सारे भाई के थे वो मेरे शो पे आए, उनको हमने जब सपोर्ट की मीडिया सपोर्ट, तो 2 दिन में वो रेपिस्ट पकड़ा भी गया।